हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज 20 जुलाई हो चुकी है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अति हर चीज़ की बेकार होती है, आप मानो चाहे मत मानो। क्योंकि और एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ कि कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं है इस दुनिया में। हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देखो गुगलू जी, आप किससे खेल रहे हो अभी। देखो आपके पास एक चीज़ है, ये क्या होता है, ये एक जो कार्डबोर्ड आता है ना अपना, जो बल्ब के और दीवार के और बल्ब के बीच में लगता है, लट्टू के बीच में लगता है ना, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वो सामने ऊपर ये वाली चीज़ है तुम्हारे पास, ठीक है, ये वाली। और एक वो ट्यूबलाइट भी लग रही जो सफ़ेद सफ़ेद, वो वाली चीज़ है ये। तो अभी ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से इससे तो खेल रहा है और बहुत मज़े से खेल रहा है। इसके चक्कर में मुझे नींद आती है तो भी जग जाता है, हाथ में होता है तो, और इसी से खेल रहे हो, कितना खुश है। अभी तुझे नींद आ रही है लेकिन खेलने में बिजी है, मुस्कुरा भी रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, चाहिए उसका कोई आदमी वैल्यू समझने वाला, वैल्यू करने वाला। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रहा था कि तू बहुत ज़िद्दी होने लग गया यार। अब कोई भी चीज़ है, देखना ज़िद्दी कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने ले लिया ना, अब देखो नहीं दूंगा तो कैसे भागेगा। ये भी थोड़ा सा तो मोबाइल में देख के वो कर रहा है, देखना अभी ये देख। तो बात आती है जिद्दी बनेगी तो जिद्दी, तो आप लोग बोलोगे यार बच्चे तो जिद्दी होते हैं, उनको तो खेलने के लिए चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इससे कैसे डील करोगे। अब ये एक बेकार सा, ये तो खिलौना भी नहीं है, लेकिन तो इससे खेल रहा है। तो बात करते हैं जिद्दी बन की, कि जैसे बच्चे किसी चीज़ के लिए ज़िद कर लेते हैं। और चलो ठीक है, बच्चों तक ये चीज़ बढ़िया भी, चलो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बच्चों की खुशी के लिए हम ला सकते हैं। लेकिन यही जिद्दी बिना अगर तुम बड़े लेवल पे देखो, जैसे तुम 18-20 साल के हो जाओगे, सुनो मैं बात बता रहा हूँ, खेलो इससे खेलो बच्चा। हाँ तो मैं बोल रहा था कि अगर यही जिद्दी बिना अगर तुम बड़े लेवल पे देखो, 18-20 साल के हो जाओगे या फिर 22 साल के हो जाओगे, तब तुम्हारी ऐसी डिमांड रहेगी, मेरे पास ये चाहिए वो चाहिए। अब अब तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास खुद की खरीदी हुई बाइक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ख़रीद नहीं सकता था, एक टाइम था मेरे पास कि जब मैं एक बाइक ख़रीद सकता था और उसे चला सकता था, लेकिन वो पैसे मैंने वहाँ पे ख़राब नहीं किए और कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किए थोड़े थोड़े करके। तो उसका रिज़ल्ट यह है कि आज मैं ख़रीद सकता हूँ कोई भी चीज़ उस चीज़ के बदले। तो ऐसी जगह मैंने इन्वेस्ट किया था, अब वो आगे बताऊँगा कि मैंने कैसे क्या किया, पूरी स्टोरी बताऊँगा कभी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए तुम किसी को देख के तुम्हें ज़िद्द हो जाए, हाँ ये मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, जबकि उसका रिज़ल्ट कुछ ना मिले, तो मैं उसके बदले रिटर्न कुछ भी ना मिले, तो तुझे डायरेक्ट मैं ये बता देता हूँ कि अपने जिद्दीपने को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि ताकि फ्यूचर में आपको उसे रिटर्न मिल सके। समझ रहे मेरी बात को, ऐसी जगह अपने जिद्दीपने को या फिर ऐसी डिमांड को उस जगह इन्वेस्ट करो कि आपको फ्यूचर में वो फ़ायदा दे सके, रिटर्न दे सके। ये चीज़ तुम्हें तुम लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो अब बात करते हैं कि जैसे तुम्हारा जिद्दी बना क्या हो सकता है, जैसे कि तुम बड़े हो गए, तुम्हें साइकिल चाहिए होगी। चलो ठीक है, साइकिल कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम्हारे जो टाइम आएगा उसमें साइकिल कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे टाइम में 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1800 रुपये में साइकिल आती थी, और अभी 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की साइकिल आने लग गई है, और आज से 10 साल 12 साल बाद में और मतलब 15 हज़ार 20 हज़ार की भी साइकिलें आने लग जाएगी, जो नॉर्मल रेंज की आती थी वो भी इतनी महंगी हो जाएगी शायद। तो साइकिल कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ना कोई बाइक की बड़ी बात रहेगी, ना कोई कार की बात रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ तो अपने पास अवेलेबल रहेगा मेरे हिसाब से, और जो भी लग्जरी चीज़ें लगभग लगभग चीज़ें अवेलेबल रहेगी। लेकिन इनके अलावा तुम जो है क्या वो जिद पकड़ते हो, वो देखने वाली बात होगी, वो सोचने वाली बात होगी कि इन सारी चीज़ों के अलावा, क्योंकि हमारे टाइम में ना मेरे मेरे पास सिर्फ एक साइकिल थी, वो भी मैंने कुछ क्लास पास की थी, उसके बाद में मैंने
थोड़ा दिन वो घर वालों से वो किया था, तो बाद में जाके मुझे साइकिल मिली थी। हालांकि मैंने उसमें रिटर्न इतना अच्छा कमाया कि जितने ही खरीदी थी उतने की वापस बेची थी, काटा नहीं खाया। तो मेरे पास सिर्फ आज तक एक साइकिल ही थी, उसके अलावा मैंने इतना कोई ज़्यादा जिद किया नहीं। और बाद में एक चीज़ और मैंने खरीदी थी तो उसका मैंने रिटर्न काफ़ी अच्छा लिया। तो वो सिर्फ मेरे पास दो ही चीज़ों की मैंने जिद करी थी और वो थोड़ा मुश्किल से मिली थी, लेकिन मिल गई थी आखिर में। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी, तो वैसी तो कोई बात है नहीं। बाकी अब सोचने वाली बात ये है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, सोचने वाली बात ये रहेगी कि तुम किस चीज़ की जिद करते हो बच्चा लोग, और वो डिमांड कैसी रहेगी, क्या चीज़ मांग मांग सकते हो तुम, उसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर देखी है तुमने, तो तुम लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो बाकायदा अच्छे तरीके से, क्या उसकी यूज़ रहेंगे, क्या वो चीज़ फ़ायदेमंद है, उसका कुछ यूज़ है या फ्यूचर में कुछ रिटर्न है, तो अपन उसको ट्राई करेंगे खरीदने की या फिर अपने घर लाने की। और अगर वो फालतू चीज़ है, उसका कोई रिटर्न नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। आज का ज्ञान इतना है।